दोस्तों नमस्कार। पी के मौज मस्ती चैनल पर मैं पी के श्रीवास्तव आप लोगों के यूट्यूब चैनल की ओर से सुस्वागत से अभिनंदन करता हूं दोस्तों। तो आज का सेशन बहुत धमाकेदार बवाल होने वाला है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूँ आज का जो सेशन है दोस्तों, आज का सेशन है मैथ पार्ट 41 यानी मैथ पार्ट 41 का टॉप 4 क्वेश्चन मैं बताऊंगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि जब मैथ का जो है क्लासेज रहता है तो मैं आप लोगों को 4 क्वेश्चन बताता हूं जो दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। और इसके बाद जो है जब रीजनिंग का रहता है तो रीजनिंग में आपको 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ दोस्तों। तो जो भी स्टूडेंट वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि मैंने एक बिल 3/5 यानी 5 भाग में मैं 3 भाग पैसा दे चुका हूँ, भुगतान किया मतलब पैसा दे चुका हूँ। मैं आपको स्पष्ट रूप से समझा कर बताऊँगा ताकि आप एक ही बार में समझ जाए। यदि बिल का 400 रुपये अब भी बाकी यानी बिल का कितना पैसा था ठीक है, उसमें से जो है हम टोटल मिला के 5 भाग हमको पैसा देना था, ये 5 भाग पैसा देना है, लेकिन उसमें से हम 3 भाग पैसा दे चुके हैं, 2 भाग पैसा और देना है और वो 3 भाग में मैं 400 रुपया दे चुका हूँ। देखिए अब भी सॉरी यहाँ पर क्या 400 रुपया अब भी चुकाना मतलब 400 रुपया और देने का बाकी है। 3 भाग तो पैसा दे दिया लेकिन फिर भी जो है ना 400 रुपया और देने का बाकी है, तो बिल का कुल रकम कितना था यानी बिल का जो है दोस्तों कुल रकम की बात कर रहा है यानी टोटल पैसा कितना था इस वस्तु का, टोटल जो है रुपया कितना था। देखिए दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है देखिए मैं बताता हूँ दोस्तों कि इसको क्या करना है। 3/ कितना है दोस्तों 5 ठीक है, 3/ कितना है दोस्तों 5 भाग ठीक है, 3/5 भाग है यानी 5 भाग में से दोस्तों 3 भाग इसने दे दिया, कितना बचा 2 भाग पैसा इसको और देना है और कितना देना है दोस्तों तो 400 रुपया देना है यानी 2 भाग बराबर कितना दोस्तों 400 रुपया यानी 2:4 बराबर 400 रुपया देना है, तो 1:1 बराबर कितना देना पड़ेगा दोस्तों, तो 4 से 200 इसमें भागा देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 200 यानी 1:1 का कितना निकल गया 200 रुपया ठीक है, 200 रुपया निकल गया। इसको देना है टोटल कितना, तो देना है इसको 5 भाग यानी 5 भाग इसको जो है बिल भुगतान करना है, तो 200 × 5 कर देंगे दोस्तों, तो 200 को 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 1000। देखिए ऑप्शन नंबर 1000 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 1000 मेरा करेक्ट आंसर ये सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है, ए और बी एक काम को कर्मश कितना 18 दिन में और 24 दिन में कर सकते हैं, यानी ए 18 दिन में कर सकता है बी 24 दिन में कर सकता है, वे एक साथ यानी दोनों मिलकर 8 दिन तक काम लगातार करते हैं, दोनों यानी ए और बी दोनों मिलकर 8 दिन तक लगातार काम करते हैं और इसके बाद क्या होता है कि ए जो है चला जाता है यानी बी को छोड़ के ए जो है ये चला जाता है, शेष काम जो है जो बचा रहता है वो बी कितने दिन में पूरा करेगा, जो काम यानी बच गया है उसको जो है पूरा बी कितने दिन में करेगा वो आपको निकालना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो चलिए दोस्तों इसको निकालना है कैसे मैं आपको बताता हूँ। यानी ए जो है दोस्तों ए ठीक है कितना 18 ठीक है, इसके बाद बी जो है बी कितना है दोस्तों बी जो है 24 है ठीक है। अब आप इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे 18 और जो है क्या कहते हैं 24 को, तो कितना आएगा दोस्तों 72 आएगा, कितना आएगा 72 आएगा ठीक है। अब देखिए अब आपको जो है ना अब जो है ए जो है एक दिन का निकालना होगा, टोटल काम कितना है दोस्तों 72 यूनिट है, कितना काम है दोस्तों 72 यूनिट है, इसमें से जो है ये एक दिन में कितना काम करेगा, तो 18 से इसमें जो है ना 72 में भाग देंगे, जब 18 से 72 में भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों 18 × 72, इसके बाद बी जो है एक दिन में कितना काम करेगा तो 24 से इसमें 72 में भाग देंगे, तो 24 या 72 यानी जो है बी जो है दोस्तों एक दिन में
तीन रेशियो काम करेगा, और ये 18 जो है ये जो है 4 यूनिट काम करेगा दोस्तों। ठीक है, टोटल यूनिट कितना है दोस्तों, 72 यूनिट है। उनमें से जो है ए को एक दिन में कितना कर रहा है, 4 यूनिट काम कर रहा है, और बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। अब देखिए क्या कर रहा है, ये दोनों एक साथ 8 दिन तक काम किए, कितने दिन तक, 8 दिन तक काम, तो दोनों मिला के एक दिन में टोटल कितना काम हो रहा था, काम हो रहा है दोस्तों, यानी ए कर रहा है 4 यूनिट और बी कर रहा है 3 यूनिट, तो टोटल कितना यूनिट हो रहा है दोस्तों, 60 यूनिट, यानी एक दिन का कितना, 7 यूनिट काम हो रहा है। ठीक है, 7 यूनिट एक दिन में, 7 यूनिट, और दोनों एक साथ मिलकर कितना दिन काम किया, तो 8 दिन, गुन्ने इसमें 8 कर दो, तो टोटल कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 × 7 = 56। ठीक है, अब जो है इसको क्या करना है, टोटल जो है इसका यूनिट कितना काम करना है दोस्तों, 72 यूनिट। आप 72 यूनिट में से जो है दोस्तों 56 यूनिट आप माइनस कर देंगे दोस्तों, तो कितना आएगा, 16 यूनिट आएगा। ठीक है, अब 16 यूनिट यानी 16 यूनिट जो है काम बच गया है, दोनों मिलकर जब किया और ए जो है इसके बाद छोड़ के बी को चला गया, तो 16 यूनिट काम बच गया है। ठीक है, यही कह रहा है कि ये 16 यूनिट काम करने के लिए बी को कितना दिन लगेगा, तो बी एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों, तो बी एक दिन में जो है दोस्तों ये बी एक दिन में कितना काम कर रहा है, 3 यूनिट मात्र काम कर रहा है, कितना, तो 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 16 में 3 से भाग दे दीजिए दोस्तों, आ जाएगा आपका आंसर, तो 16 में जो है दोस्तों 3 से भाग देंगे। ठीक है, 3 से भाग देंगे, कितना आएगा, 3 × 5 = 15। ठीक है, शेष कितना बचा, 1 बचा। अब आप इसको जो है ना पूर्णांक में बदल लीजिए, तो पूर्णांक में बदलेंगे कैसे, तो ये जो है भागफल कितना आया दोस्तों, 5, तो 5 को पूर्णांक में लेंगे, इसके बाद जो है शेष कितना बचा है, 1, तो 1 ऊपर में लेंगे, और जिससे भाग दिया वो 3 है, यानी 5 × 1/3। देखिए कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो 5 × 1/3 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, तो ज़रूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों, मैं आप लोगों को समस्त उन्हीं क्वेश्चनों को प्रोवाइड करवाता हूँ जो रेलवे ग्रुप डी ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, ये दो जो है ना विषय अति महत्वपूर्ण विषय है दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ, मैं उन्हीं क्वेश्चनों को आप लोगों को समक्ष प्रस्तुत करता हूँ जो प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन होते हैं, जो पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी व्यवसाय में हिस्सेदारी करते हैं, यानी ए तथा बी दोनों मिलकर एक बिजनेस खोलना चाहते हैं। ठीक है, ए जो है 5,000 रुपया लगाता है, कितनों दिन के लिए, 1 वर्ष के लिए। ठीक है, 1 वर्ष के लिए लगाता है, तथा बी जो है कितना, 7,500 रुपया लगाता है, लेकिन वो कितने दिन का लगाता है, 6 महीने के लिए लगाता है, वर्ष के अंत में, यानी लास्ट वर्ष में, जो लास्ट के अंत में, वर्ष का लास्ट में जो है उसको ये दोनों जो रुपया लगाया था, उन रुपये को सब जो है मूलधन चक्रवृद्धि ब्याज सब कुछ काट खोट के उसको कितना, 7,000 रुपया का लाभ होता है, यानी 7,000 रुपया का लाभ होता है, तो बी का हिस्सा क्या होगा, यानी बी का जो है हिस्सा क्या होगा। देखिए यहाँ पर दो कैटेगरी का क्वेश्चन बनता है दोस्तों, कैसे बनता है कि देखिए, ये जो है ये कितना, 5,000 रुपया लगाया था, लेकिन ये कितना, 1 साल के लिए लगाया था, बी जो है 7,500 रुपया लगाया, लेकिन ये महीना में क्या किया, कम कर दिया, 6 महीना के लिए लगाया है, तो इसमें इस तरह का रेशियो बनेगा, जो ज़्यादा पैसा लगाया है उसको ज़्यादा मुनाफा मिलेगा, जो कम लगाया है उसको कम मुनाफा मिलेगा। देखिए क्वेश्चन को कैसे बनाना है, आप लोग वीडियो छोड़कर मत जाइए, आप वीडियो को स्किप मत कीजिए। देखिए इसको करना क्या है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, एक ये जो है दोस्तों कितना लगाया था दोस्तों, 5,000। ठीक है, कितने दिनों के लिए लगाया था दोस्तों, 12 दिनों के लिए। चलिए इसके बाद जो है बी चलो मान लेते हैं, यहाँ बी कितना लगाया था दोस्तों, 7,500 रुपये, कितने दिनों के लिए दोस्तों, तो 6 महीना के लिए। आ रहा क्वेश्चन समझ में, अगर फिर भी किसी प्रकार का डाउट है तो ज़रूर कमेंट करना दोस्तों। अब आप इसको रेशियो में कटा लीजिए, छोटा कर लीजिए, तो छोटा करेंगे देखिए, ये 6 × 6 = 6, 6 × 6 = 12। ठीक है, 2 बार में कट गया। अब देखिए 7,500 × 5,000 है, सॉरी यहाँ पर 1 0 और होता। अब देखिए ये 2 जीरो से जो है
ये दो जीरो कट गया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बच गया 50 और इसके बाद बच गया 75, ठीक है, यानी 50 75 बच गया। इसको आप कटा लीजिए, कटाएंगे तो कैसे कटाएंगे, 25 दूने कितना होता है 50 और 25 दिया 75, अब इन दोनों को गुना कर लेंगे आपस में तो कितना होगा दोस्तों, यानी 4, ठीक है, 4 बट्टा यानी 4:3 आएगा, 4:3। अब देखिए ये जो अनुपात है दोस्तों, इसका जो है काम और जब समय रहे, ठीक है, काम और जब समय रहे तो इसका क्या होता है दोस्तों, व्यतिक्रम होता है, यानी उल्टा विपरीत होता है दोस्तों। इसको क्या करना है, अनुपात का अनुपात बट्टा अनुपातिक का योग, ये फार्मूला है दोस्तों, अनुपात का अनुपात बट्टा अनुपातिक का योग होता है, ये फार्मूला है, आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए तो जब ये देखिए 4 और 3 कितना हुआ दोस्तों, 7, कितना होगा दोस्तों तो 3/7। अब देखिए टोटल कितना मुनाफा हुआ, 7000, तो गुने 7000, ठीक है। अब आप इसको कटा लीजिए, ठीक है, 7 से जो है 7000 कितना बार में कटेगा दोस्तों, 1000 बार में, ठीक है। अब 1000 को 3 को गुना कर लेंगे तो कितना होगा दोस्तों, 1000 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 3000 हो जाएगा दोस्तों। देखिए ऑप्शन नंबर 3000 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 3000 मेरा करेक्ट आंसर ये सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, साथ में किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। चलिए अगर आप लोग वीडियो में किसी भी प्रकार के त्रुटि अगर देखते हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ताकि मैं उस त्रुटि को आगे वाली वीडियो में ऐसा त्रुटि न होने दे पाऊँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते, लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या कर रहा है दोस्तों। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, बी ए से 20% अधिक दक्ष, यानी 20% अधिक एक्स्ट्रा काम करता है, कौन, बी, बी को उस कार्य को समाप्त करने में कितना समय लगेगा, यानी बी जो है उस काम को कितना जल्दी काम समाप्त कर देगा। तो देखिए दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्या करना है मैं आपको बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से बताऊँगा, और वो भी शॉर्ट ट्रिक के साथ। देखिए ये जो है दोस्तों, ए का चलो मान लेते 100% काम कर रही है, ठीक है, इसके बाद जो है बी, बी का मान लेते कितना, यानी 20% अधिक काम करता है, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 120%। अब आप इसको कटा लीजिए, काटेंगे तो कितना होगा दोस्तों, काटेंगे तो कितना होगा, 20 × 5 = 100, ठीक है, अब 20 × 6 = 120 हो गया, यानी 5:6 कितना होगा, 5:6 हो गया, 5:6 हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो मैं फार्मूला आज इससे पहले वाले क्वेश्चन में बता रहा था कि काम और जब समय रहे तो दोनों का व्यतिक्रम होता है, तो यहाँ पर व्यतिक्रम होगा, देखिए यहाँ पर व्यतिक्रम हो जाएगा, 5:6 है, तो यहाँ पर जब व्यतिक्रम होगा तो कितना होगा, 6:5 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 6:5 हुआ, तो देखिए चलिए अब देखिए 6 और 5, 6 रेशियो पर बड़ा है ना, तो 6 रेशियो बराबर कितना दिया है दोस्तों, 12 दिन दिया है, ठीक है, तो 1 रेशियो का निकालेंगे, तो 1 रेशियो का निकालने के लिए 6 से उसमें भाग देंगे तो कितना होगा, 6 × 6 और 6 × 2 = 12, यानी 1 रेशियो बराबर 2 दिन, 1 रेशियो बराबर कितना दिन है दोस्तों, 2 दिन। तो यहाँ पर 5 रेशियो बी, यानी बी का बताना है ना, तो बी का, बी को उस कार्ड को, तो बी जो है कितना है, बी का रेशियो 5 है, तो यानी 1 रेशियो बराबर 2 है, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो देखा, 5 × 2 बराबर कितना दिन, 10 दिन। देखिए ऑप्शन नंबर 10 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 10 मेरा करेक्ट आंसर डी सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जरूर चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी प्रेस कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास जरूर से कीजिएगा दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पी के मौज मस्ती चैनल सदस्य को दे दीजिए इजाज़त, बाकी बात ओके बाय।